हम भारत को बौद्ध में बनाना चाहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन बुद्ध के संस्कारों को, बुद्ध की परंपराओं को स्वीकार नहीं कर रहे। आज भी लोग जो लोग दिवाली के दिन दीपोदान कहकर के उत्सव मनाने की बात करते हैं, क्या यह धर्म की व्यवस्था को मटियामल करने का षड्यंत्र नहीं है? कोई बुद्धिजीवी बताए कि दीपोदान में दिया किधर से जलेगा और दिवाली में दिया किधर से जलेगा? दीपोदान में दिवाली में का अंतर बता के बताए। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग, अगर बाबा साहब का अपना आदर्श मानते हैं तो बाबा साहब की बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर दिवाली दीपोदान होती तो बाबा साहब बता करके जाते। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि 20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है, लेकिन जिक्र तक नहीं किया। बाबा साहब ने हमें धम्म की शरण इसलिए दी कि जिस व्यवस्था के हम हिस्सा बने थे वहां असमानता थी, भेदभाव था, छोटे बड़े की भावना थी, छुआछूत थी, इंसान को इंसान घृणा की दृष्टि से देखता था। और इस सब के पीछे एक ही कारण था कि समाज जातियों में बंटा था, और जब तक जातियां हैं इस भेद को खत्म नहीं किया जा सकता। बाबा साहब ने पूरी कोशिश की कि इसी व्यवस्था में रहकर के जातियां खत्म हो जाए, भेद खत्म हो जाए। पूरा जीवन लगाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस व्यवस्था में जाति खत्म नहीं हो सकती। अगर हमें जाति को खत्म करना है, भेदभाव को खत्म करना है, गैर बराबरी को खत्म करना है, तो हमें एक नए मार्ग पर चलना होगा। और बाबा साहब ने उस मार्ग में बुद्ध को तलाशा। हम सब जानते हैं कि बुद्ध के धम्म में कोई भेदभाव नहीं है, कोई गैर बराबरी नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को चुना था कि जब हम बौद्ध बनेंगे, जातियां टूटेंगी, मानव मानव एक समान होगा, और सही मायने में जब इंसान इंसान से प्रेम करने लगेगा, घृणा खत्म होगी, भाईचारा कायम होगा, बंधुता के साथ समाज में सुख से रहने लगेंगे। इसी कामना को लेकर के बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। आप में से कितने लोग हैं कि जो बाबा साहब की इस बात से सहमत हैं कि जातियां नहीं होनी चाहिए? हाथ ऊपर करने वाले थोड़ी देर के बाद निराशा में जाएंगे, मुझे मालूम है। बाबा साहब ने कहा था तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, और जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। जाति की बुनियाद पर आप जो भी निर्माण करेंगे सब चटक जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। मैं भी अपनी पीड़ा साझा कर रहा हूं आपके साथ। एक उम्मीद करता हूं मैं कि जो व्यक्ति माइक पर आकर के, मंच पर आकर के समाज को दिशा देने का काम करता हो, उस आदमी को तो जाति व्यवस्था को नकार करके बौद्ध बनकर के ही बात करने का कहना चाहिए। लेकिन हम लोग जाति से पीड़ित हैं, हम भेदभाव से पीड़ित हैं, हम जुल्म अत्याचार से पीड़ित होने के बावजूद भी जाति से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बाबा साहब की बात को मानते हुए भी, बुद्ध की शरण में आने के बाद भी हम जाति को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था, मैं आगाह कर रहा हूं आप सब लोगों को, बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारा जाति के प्रति अगाध प्रेम ही तुम्हारे विध्वंस का कारण बनेगा। जो लोग इस गलतफहमी में आकर के बौद्ध बन गए हैं कि जाति बची रह जाए, गोत्र बचा रह जाए और हम बौद्ध बन जाएं, आप विध्वंस करेंगे बौद्ध धर्म का और इस विरासत को नहीं बचा पाएंगे। अगर जाति से प्रेम करते हो तो बुद्ध की शरण में आने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उन लोगों से ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे जो जाति से प्रेम नहीं करते हो। बुद्ध की बात करते हैं और जाति से चिपके बैठे हैं, सारी उम्र मनुवाद को कोसते हैं, और अपने संतान की शादी करने का समय आता है तो अपनी ही जाति में लोग खोजते हैं।
आप अपनी जाति से प्रेम करते हैं यह गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी जाति से प्रेम करके बौद्ध बने दूसरे लोगों को नकारते हैं यह गुनाह है। विरासत को बचाना है तो जाति को खत्म करना होगा। विरासत को बचाना है, भारत को बौद्ध में बनाना है, तो जाति के नासूर को दफन करना होगा। और देखते हैं कि कौन आदमी आज रूपांतरित होता है इस संकल्प के साथ यहां से जाए कि मैं आज के बाद जाति की इस्तेमाल नहीं करूंगा। और नाम के पीछे जो आप पहचान बना के चले हैं, यह भी जाति का महिमा मंडन करने का दूसरा स्वरूप है। अगर किसी के नाम के पीछे लगा हो तो इसको व्यक्तिगत मत लेना। बौद्ध बनने से पहले खोबरा गड़े थे, आज भी खोबरा गड़े। बौद्ध बनने से पहले मेसराम थे, आज भी मेसराम। बौद्ध बनने से पहले गुड़ पड़े थे, आज भी गुड़ पड़े हो। क्या ये बौद्धों की व्यवस्था है? दूसरी बात, हम भारत को बौद्ध में बनाना चाहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन बुद्ध के संस्कारों को, बुद्ध की परंपराओं को स्वीकार नहीं कर रहे। आज भी लोग जो लोग दिवाली के दिन दीपोदान कहकर के उत्सव मनाने की बात करते हैं, क्या यह धर्म की व्यवस्था को मटियामल करने का षड्यंत्र नहीं है? कोई बुद्धिजीवी बताए कि दीपोदान में दिया किधर से जलेगा और दिवाली में दिया किधर से जलेगा? दीपोदान में दिवाली में का अंतर बता के बताए। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग अगर बाबा साहब का अपना आदर्श मानते हैं तो बाबा साहब की बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर दिवाली दीपोदान होती तो बाबा साहब बता करके जाते। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि 20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है, लेकिन जिक्र तक नहीं किया। अगर उस समय भूल भी गए होते तो 20 दिन के बाद याद आ जाता, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि यह हमारा उत्सव नहीं है, जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारा नहीं है उसका जिक्र क्यों करें। लेकिन उत्तर भारत में बहुत सारे विद्वान पैदा हो गए जो बाबा साहब से ज्यादा विद्वान, जो बाबा साहब नहीं खोज पाए उन्होंने खोज लिया। बौद्ध धर्म के किसी भी साहित्य में कार्तिक मास की अमावस्या का जिक्र तक नहीं है, और दिल्ली में बैठे विद्वानों की आंखों के सामने कार्तिक मास की अमावस्या दिखती है, क्योंकि उनकी संतानें, उनकी पुत्र वधुएं, उनकी जीवन संगिनियां इस मोह को नहीं छोड़ पा रही। हो सकता है कि दिवाली के दिए की रोशनी में लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाए। क्या बौद्धों के पास उत्सवों की कमी है? जब तक धम हमारे आचरण में नहीं आएगा हम कैसे बौद्ध बनेंगे? आप बौद्ध बन गए, कौन सी परंपरा बदली? अबौद्ध थे तब भी शादी करते थे तो बैंड बजता था, आज भी बज रहा है। अबौद्ध शादी करते थे घोड़ी पर बैठते थे, आज भी घोड़ी पर बैठे हैं। अबौद्धों की शादी होती थी तो पी करके नाचते हैं, आज भी पी करके नाचते हैं। जहां भी जब भी दावत थी, आज भी दावत है, वहां भी दहेज था, यहां भी दहेज है। कौन सी परंपरा बदली? बस एक परंपरा बदल दी, जहां पहले पुरोहित आता था लाल कपड़ा कंधे पर टांग करके, आज चीवर पहने हुए पुरोहित आता है, बस फर्क इतना सा हो गया। अगर बौद्ध धर्म को बचाना है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे संस्कार बौद्ध रीति से करने पड़ेंगे। और बौद्ध रीति का मतलब यह नहीं कि जैसा हम पहले करते रहे बस यहां भिक्खु को आगे कर दो सारा काम बौद्धों का हो गया, सब बिल्कुल नहीं होने वाला। हमें बौद्धों की विरासत को बचाना है तो बौद्धों की परंपराओं को स्थापित करना होगा। जन्म भोज की परंपराएं खत्म करनी होंगी, विवाह की परंपराओं को नया आयाम देना होगा, और मरने के बाद क्या किया जाए उसको ठीक से परिभाषित करना होगा। पहले भी अस्थियों को लेकर के पानी में बहाते थे, आज भी वही काम करते हैं। पहले 12 दिन रोते थे, आज भी 12 दिन रो लेते हैं। पहले भी मरने के बाद मृत्यु भोज करते थे और आज भी लड्डू खाते हुए लज्जा नहीं आती है। क्या बौद्ध धर्म स्थापित हो जाएगा? बौद्ध बनने से पहले हम लोग महिलाओं को बराबर नहीं मानते थे, और बौद्ध बनने के बाद क्या हमने महिलाओं को बराबर माना? मैं महाराष्ट्र को छोड़ देता हूं,
क्योंकि महाराष्ट्र में पर्दा प्रथा नहीं है, छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बस खत्म कर दिया मैंने। लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आज भी महिलाएं घूंघट में हैं, आज भी उनकी पत्नियां चूड़ियां पहनती है, महाराष्ट्र में भी पहनती है। बौद्ध धर्म को स्थापित करने का इम्तिहान है आज जाकर के अपनी जीवन संगिनी के हाथ की चूड़ियां उतरवा देना, आप बहादुर कहलाएंगे व्यवस्था बदलने के लिए। आप अपनी जीवन संगिनी की मांग के अंदर से लाल रंग हटा देना, और हो सके जिनकी जीवन संगिनी घूंघट करती हो घूंघट हटा देना, आप बहादुर कहलाओगे, वरना बुजदिल पैदा होकर के बुजदिल मर जाओगे। बुद्ध की शरण में आने के बाद अगर महिलाओं से भेदभाव करते हो तो आप बौद्ध नहीं कहलाते हो। इसलिए मैं इसी सूत्र पर बात करके अपनी बात को विराम दे रहा हूं। धम्म के सिद्धांत और शिक्षाओं को जनता तक पहुंचना चाहिए, सस्ता प्रकाशन होना चाहिए और सुलभ भाषा में लोगों तक बातें जानी चाहिए। धम्म के सिद्धांत और शिक्षाओं को जनता की भाषा में जनता तक समझाने वाले प्रचारक होने चाहिए। और तीसरी बात, जो धम्म के सिद्धांत और शिक्षाएं हैं वो आचरण में उतरनी चाहिए। अगर इतना हम कर सकेंगे तो हम बौद्ध धम्म को स्थापित भी कर पाएंगे और सिरपुर जैसी बौद्धों की महान विरासत को बचाने में सक्षम हो पाएंगे। मैं मंगल कामना करता हूं उन सब के लिए जो आज आंदोलित होकर के इस व्यवस्था के निर्माण में काम करेंगे, और सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो। भवतु। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।